तो ये मेरा सरप्राइज है, अभी तक ओपन नहीं हुआ, मैं ओपन करूंगी, आप लोग भी देखिए और मैं भी देखती हूँ। मेरा आज बहुत ही स्पेशल डे, तो ओपन करते हैं। माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, सच में मैं आप लोगों को अपनी फीलिंग्स बता नहीं सक रही। आज जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी लड़की बांग्लादेश के अंदर अपनी गाड़ी परचेज करने जा रही है। मुझे लगता है कि इसकी शादी हुई है ना, हो सकता हुई हो, इसीलिए तो बांग्लादेश के अंदर गाड़ी खरीदने जा रही है और बांग्लादेश के अंदर ये गाड़ी परचेज कर रही है, बांग्लादेशी टके की और बांग्लादेशी गाड़ी। तो पाकिस्तान की लड़की कैसे गाड़ी खरीद रही है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी, 1 2 3 गो। तो ये मेरा सरप्राइज है, अभी तक ओपन नहीं हुआ, मैं ओपन करूंगी, आप लोग भी देखिए और मैं भी देखती हूँ। मेरा आज बहुत ही स्पेशल डे, तो ओपन करते हैं। माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, सच में मैं आप लोगों को अपनी फीलिंग्स बता नहीं सक रही। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आज यार मैं फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी अपने पैसों से, कमाए हुए पैसों से खरीदने जा रही हूँ। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी यार गाड़ी खरीदूँ, फाइनली आज खरीदने जा रही हूँ। तो गाड़ी कैसी है अभी तक मुझे नहीं पता, और मैंने अभी तक देखी भी नहीं है, क्योंकि ये कैमरे के पीछे जो है उसने मेरे लिए गाड़ी सरप्राइज रखी, उसको मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट दी थी। तो उसको मैंने कहा था गाड़ी का कलर ऐसा ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, तो गाड़ी कैसी है उसने मुझे कहा तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो मेरे साथ आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है। तो मैं चाह रही थी यार ये छोटी सी वीडियो में जो हम क्लिप अपने मेमोरी में रखूं, यादों में रखूं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट गाड़ी है अपने पैसों से कमाई हुई, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज मेरे अब्बू होते मेरे साथ तो बहुत ज्यादा खुश होते, क्योंकि उनकी बेटी अपने कमाई हुए पैसों से गाड़ी खरीद रही है। तो अब्बू तो पाकिस्तान में, लेकिन अब्बू ये वीडियो देखेंगे, अब्बू बहुत खुश होंगे। और अब्बू को जब मैंने बताया अब्बू मैं अपने पैसों से खरीदने जा रही हूँ गाड़ी, तो अब्बू ने मुझे बहुत दुआएं दी और थोड़े से इमोशनल भी हो गई और मैं भी हो गई, क्योंकि एक साथ होते तो बहुत ज्यादा और खुशी होती। तो चलें देखते हैं आज कैसी गाड़ी है। ठीक है, तो मैं गाड़ी के शोरूम में आ चुकी हूँ। तो आप लोगों को पता है गाड़ी खरीदने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके पेपर्स, ये सब कम्प्लीट करने पड़ते हैं। तो वो सब कंप्लीट करने के बाद ही मेरे हाथ में गाड़ी आएगी और मैं गाड़ी देखूंगी, तो आप लोग भी मेरे साथ देखेंगे। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, सच में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अपने खुद के कमाए हुए पैसों से मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीद रही हूँ और फर्स्ट लाइफ में मेरी गाड़ी होगी इंशाल्लाह। तो पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें फिर गाड़ी देखते, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी ऑफिस जा रही हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी देखने के लिए बेचैन हूँ यार। तो मैं ऑफिस आके बैठी हूँ, तो शोरूम वाले जो भाई हैं वो मुझे कह रहे हैं सब डॉक्यूमेंट्स दो। तो मेरा बंदा जो सब डॉक्यूमेंट्स मेरे बैग में रखना, मेरा बैग है छोटा, उसके डॉक्यूमेंट्स रखूं या मैं अपना मेकअप रखूं, लेकिन क्या करूं रखना पड़ता है। तो ये भाई को मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, भाई ने फिर मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, तो देखा मैं पढ़ रही हूं। जो इंग्लिश में वो सब पढ़ लिया, जो बंगला में वो पढ़ नहीं सकती तो क्योंकि ये कैमरे के पीछे वही सब करेंगे कंप्लीट पेपर्स। जहाँ पे इंग्लिश है वहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया है, और जहाँ पे बंगला है वो कैमरे के पीछे वाले करेंगे। तो ये और गाड़ी अभी तक मैंने देखी नहीं है, तो गाड़ी आप लोगों के साथ ही देखूंगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया जो कैमरे के पीछे उसने मुझे गाड़ी सरप्राइज दी है। तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर कर रही हूँ, ऐसे डॉक्यूमेंट्स में मैंने कभी सिग्नेचर नहीं किया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी से डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करके जल्दी से ख़त्म हो ये सब और मैं गाड़ी देखूँ। यहाँ पे मेरा बंदा है सब डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो गाड़ी वाले भाई हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर करने। तो मेरा बंदा भी आज बहुत बहुत खुश है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब डन, तो अब मैं गाड़ी देखने जाऊंगी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, सब डॉक्यूमेंट्स, सब पेपर्स कंप्लीट हो गए, सिग्नेचर हो गए, पैसे दे दिए हैं, बैंक एकदम खाली हो गया। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार चाहिए, इंशाल्लाह फिर हो जाएंगे। तो मैं गाड़ी देखने जाती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने गाड़ी नहीं देखी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी से जाती हूँ और गाड़ी देखती हूँ कि गाड़ी कैसी है, क्या कलर है गाड़ी का। तो चलें, तो ये मेरा सरप्राइज है, अभी तक ओपन नहीं हुआ, मैं ओपन करूंगी, आप लोग भी देखिए और मैं भी देखती हूँ। मेरा आज बहुत ही स्पेशल डे, तो ओपन करते हैं। वाह माशाल्लाह, आई एम सो एक्साइटेड, बहुत ही खुश हूँ मैं, कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, आई एम
सो हैप्पी, आज मेरा बहुत ही स्पेशल डे सच में। तो मैं देखती हूँ, साथ आप लोग भी मेरे देखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। तो ओपन करते हैं। वाओ माशाल्लाह, माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ सच में। मैं आप लोगों को अपनी फीलिंग्स बता नहीं सक रही, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड। बस यही मैं बता सक रही हूँ कि आज मैंने अपनी मेहनत से फर्स्ट ये गाड़ी खरीदी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ, अपनी मेमोरी में ये चीज रखना चाह रही हूँ। आज मेरे अब्बू होते मेरे साथ, मेरे अब्बू होते मेरी फैमिली होती, वो बहुत खुश होती, क्योंकि ये मेरी, मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि मेरी अपनी मेहनत से, तो सच बात है। और जो कैमरे के पीछे है उसकी भी ये मेहनत है, ये हम दोनों की मेहनत से ये आज हम लोगों ने ये गाड़ी खरीदी है। फर्स्ट टाइम मतलब अपनी ये हम लोगों की गाड़ी होगी, तो ये जो मेरे खुशी के आंसू बाहर हो गए, तो ये खुशी मैं क्या बताऊं, इतनी मैं खुश हूं कि क्या मैं बताऊं। तब मैं जा रही हूं, तो ओके अल्लाह के सामने आ गई हूँ। घर इंटर होने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। क्या बात? बात यह है कि ये जो तानी जी है, आप लोग बिलीव करो, मैंने 15,000 से स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल और 1 महीना हो गया है। इसी बिजनेस से मैंने ये आज गाड़ी खरीदी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी मेहनत और जो मेरे कैमरे के पीछे उसकी मेहनत, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, इस सबको लेके आज ये कार है। तो मैं सबको कहती हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों का इतना प्यार मिला मुझे, आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया बांग्लादेश में, मेरी उर्दू में मेरी बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन अभी तो एक एक बांग्ला तुम्हारे साथ एखन बोली अलहमदुल्ला अनेक एखन बोलते पारि। तो यह तुम्हारा सब समय हमारे साथ देवा, हमें दुआ मन रखबा, और सब हमेशा आप लोग मुझे दुआ में याद रखना, हमेशा तानी जी का साथ देना, तानी जी को हमेशा ऐसे प्यार देना। और एक और बात बोलूं कि हमेशा मैं कहती हूँ कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा आप सबको। कभी भी पीछे मत हटना, हारना मत, अच्छा बुरे दिन सबके आते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब होता ना यार होगा नहीं छोड़ो, नो नो ये मत बोलना। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप लोग सक्सेस हो गए, तो हमेशा ये सोच के आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस आपके हाथ में आएगी खुद। तो इतना ही आज के लिए, क्योंकि मैं घर जाऊं, घर वाले भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज न्यू कार मैंने खरीदी है, इसलिए सब एक्साइटेड है, सभी खुश हैं, सब वेट कर रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़। बाय। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो, और फाइनली मैंने जो बात की थी वो सच साबित हो गई है कि ये बांग्लादेश में शादी की है इसने, और इसकी शादी बांग्लादेश में हुई है। इंटरेस्टिंग बात है, आपके भाई ने तुक्का लगाया और वो लग गया है, और दूसरे नंबर पे वो गाड़ी खरीद रही है बांग्लादेश के अंदर, और जो डॉक्यूमेंट है वो उसने साइन किए, साथ में इसके हस्बैंड ने भी साइन किए, हमने इसका शोहर भी देख लिया, और अब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी कि मैं गाड़ी ली है अपने पैसों से, और इतनी ज़्यादा इमोशनल ये लाइफ में एक टाइम चाहिए मुझे भी कि मैं इतना इमोशनल हो जाऊँ गाड़ी लेते हुए। मेरी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश है कि मेरे पास एक अपनी गाड़ी हो,
ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है। जब फैमिली के साथ कहीं जाना होता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाहता हूं कि लाइफ में मेरे पास एक गाड़ी हो। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है और इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये मेरा ड्रीम जरूर कंप्लीट होगा, जरूर पूरा होगा और मैं भी अपने पैसों से एक दिन गाड़ी लूंगा और सरप्राइज दूंगा अपने दोस्तों को, अपने प्यार करने वालों को। और ये जो गाड़ी लूंगा ना, ये मैं आप दोस्तों की मोहब्बत, आप दोस्तों के प्यार की वजह से लूंगा। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो थी, बहुत ही मज़ा आया वीडियो देख के, और मेरी जो ख्वाहिश का जो एक फीलिंग थी वो एक दफ़ा फिर जाग चुकी है गाड़ी लेने की। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।